हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज तस्लीम एंड आज का जो वीडियो है वो बहुत ज्यादा शॉर्ट वीडियो है और आपकी रिक्वेस्ट पे बनाया हुआ ही वीडियो है। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या आप कैबिन क्रू बनना चाहते हैं बट आपके स्पेक्स हैं तो क्या आप कैबिन क्रू बन सकते हैं। तो इसका आंसर ये है कि येस, आप कैबिन क्रू बन सकते हैं बट जितनी भी इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं, डोमेस्टिक एयरलाइंस हैं, वो आपको स्पेक्स के लिए अलाउड नहीं करेंगी। तो आप कॉन्टैक्ट लेंसेज वेयर कर सकते हैं चाहे आप इंटरव्यू देने जाएं। तो मुझे आपके काफी सारे कमेंट्स आते हैं कि मेरा -2.5 है, -4.5 है, तो क्या कैबिन क्रू बन सकती हूँ। प्लीज डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, आप कैबिन क्रू बन सकते हैं। और अब तो इतनी सारी टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं कि आप लेजर ट्रीटमेंट भी करवा सकते हैं। सो बिल्कुल ये सॉर्टेड है। नेक्स्ट टाइम से आई होप मुझे आपके बार बार ये कमेंट्स नहीं आए, तो आप टेंशन मत लीजिए। अपने जो इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं, इंटरव्यू में आपको कैसे प्रिपेयर करना है, अपनी इंग्लिश, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, इन सब पे आप प्रिपेयर कीजिए, बिकॉज ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है। तो अगर आप चश्मा लगाते हैं तो आपको इंटरव्यू देने जाएं तो आप मत लगाएं। आप इसके अलावा कॉन्टैक्ट लेंसेज को वेयर कर सकते हैं। मेरी भी काफी सारे फ्रेंड्स हैं जिनको स्पेक्स जो लगाती थी बट अब वो कॉन्टैक्ट लेंसेज वेयर करती हैं बिकॉज वो फ्लाइंग कर रही हैं। इंटरव्यू में भी उन्होंने कॉन्टैक्ट लेंसेज ही वेयर कर किया था। तो कलर्ड लेंसेज आप नहीं लगा सकते हैं। कलर्ड लेंसेज जब आप एयरलाइंस की ट्रेनिंग लेंगे तब आपको वो बता देंगे कि ये कलर्ड लेंसेज आपको अलाउड है, ये कलर तो आपको वो लगा सकते हैं। बट जब आप इंटरव्यू के लिए जाएं तब आप वैसे ही कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाएं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखिए सब एयरलाइंस के लिए ये क्राइटेरिया अलग अलग हो सकता है। तो इंडिगो में अगर वो अलाउ करते हैं इसका मतलब ये नहीं कि कोई इंटरनेशनल एयरलाइंस में वो आपको अलाउ करें। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिस जॉब के लिए आप अप्लाई करें, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने का मैंने आपको सबसे अच्छा तरीका बता दिया था कि मैप एविएशन जो वेबसाइट है उसको आप अपने होम स्क्रीन पे ऐड कर लीजिए। तो आपको जितनी भी एयरलाइंस हैं उनकी सबकी वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट फेक आपको नहीं मिलेंगी, आपको रियल वेबसाइट्स ही मिलेंगी। तो उस पे जितनी भी एयरलाइंस का कैबिन क्रू बनने का जो रिक्वायरमेंट्स हैं, आप उन रिक्वायरमेंट्स को प्लीज पढ़िए कि क्या क्या उनको हाइट चाहिए, वेट क्या चाहिए उनको, बीएमआई क्या चाहिए, आईसाइट का क्या रिक्वायरमेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप उनकी वेबसाइट पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको एकदम अच्छे से रीड करें, फिर आप देखेंगे ये सारी क्वालिटीज मेरे अंदर है या नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं फुलफिल कर रही हूं तो उसके बाद में आप प्रिपेयर कीजिए टॉपिक्स के बारे में, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे कैसे आपको प्रिपेयर करना है, कैसे आपको कॉन्फिडेंट रहना है। सो ये था आज के वीडियो के बारे में। अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो कैबिन क्रू के बारे में, इंटरव्यूज के बारे में, जीडी टॉपिक्स के बारे में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।